अगर 2 घंटे 29 मिनट है तभी जाएं भूल भुलैया 3 देखने। कार्तिक आर्यन की फिल्म पर आया है अपडेट। सो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में कार्तिक आर्यन रू बाबा बनकर बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। उनके ऑपोजिट श्रुति दिमरी नजर आएंगी, विद्या बालन मौंजलिका के रोल में दिखेंगी। भूल भुलैया 3 1 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। आए दिन फिल्म से जुड़े कोई न कोई अपडेट सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले पता चला कि इस फिल्म में 2 क्लाइमेक्स होंगे। अब इसके रन टाइम को लेकर जानकारी जो है सामने आई। पंकवला की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भूल भुलैया 3 अपने पोस्ट प्रोडक्शन की फाइनल स्टेज में है। मेकर्स इसे 2 दिन में सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड में जमा करने वाले हैं। ये फिल्म 159 मिनट्स यानी 2 घंटे 39 मिनट्स की बनकर तैयार हुई है। ये भी कहा गया है कि इस फिल्म को एक मजबूत स्टोरी लाइन के साथ तैयार किया गया, जिसमें हॉरर भी है, कॉमेडी भी है और ड्रामा भी है। वही पिछले दिनों दोनों पार्ट्स की तरह इसमें भी ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है। साल 2022 में भूल भुलैया 2 की रिलीज हुई, उसका रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट था। वही उस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कियारा अडवाणी नजर आई थी। फिल्म को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 265 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अब देखना होगा कि तीसरा पार्ट कैसा परफॉर्म करता है। कार्तिक, तृप्ति और विद्या बालन के अलावा माधुरी को भी इस फिल्म में लिया गया है। वही सभी को अब इस फिल्म में बहुत कुछ नई चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। भूल भुलैया 3 के साथ दिवाली पर 1 नवंबर को ही एक और फिल्म रिलीज होने वाली है, जिससे इसका क्लैश होगा। वो फिल्म है सिंघम अगेन। सिंघम के पिछले दोनों पार्ट्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसे में सिंघम अगेन के भी मेकर्स को उम्मीदें होंगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में फिल्म की स्टार कास्ट काफी बड़ी है। अजय देवगन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह जैसे बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा हैं। अक्षय कुमार भी कैमियो रोल में नजर आ रहे हैं। सभी को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। दूसरी ओर फिल्म का क्लैश हो रहा है भूल भुलैया 3 से। भूल भुलैया 3 की भी काफी तगड़ी ऑडियंस है। रही बात सिंघम अगेन की भी, तो इस फ्रेंचाइज की भी अच्छी खासी ऑडियंस है। तो अब देखना ये होगा कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई करती। खैर दोस्तों, आपका सबको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।